अब हम आपको नालंदा के उस ऐतिहासिक मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी काफी रहस्यमय है। इस मंदिर की विशेषता या यूं कहें कि रहस्य कुछ ऐसा है कि यहाँ नवरात्र में महिलाओं की एंट्री नहीं होती। महिलाएं 9 दिन तक पूजा नहीं करती क्योंकि यहाँ आंतरिक विधि से पूजा अर्चना की जाती है। पर इसी के पीछे क्या है राज, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। पालकालीन मंदिर में विराजमान मां आशापुरी का ये भव्य मंदिर नालंदा के गिरियक प्रखंड के घोसरावा गांव में है। बिहार शरीफ जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित इस मंदिर में बिहार ही नहीं देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा होती है। जगत जननी माँ आशापुरी इसी वजह से दुनिया जगत में विख्यात है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि तकरीबन 350 साल पहले माँ की प्रतिमा यहाँ अचानक प्रकट हुई थी। जब इस बात की जानकारी पालकाल के राजा घोष को मिली तो उन्होंने इसी स्थान पर माता के मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षु यही पूजा करते थे। इतिहास इसका बहुत पुराना है सर, 300 ईसा वर्ष पूर्व का है। राजा घोष के नामक राजा यहाँ पर आकर के पूजा करते थे और यहाँ बौद्ध भिक्षु भी आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। बहुत इतिहास बहुत पुराना है और ये अपने आप निकले 300 ईसा वर्ष बहुत पूरे यानी 3 दशक का पहले का है। ये दादा परदादा बताते थे कि अपने आप ही मूर्ति निकले। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, समझे ना। यहाँ पहले बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ आके तांत्रिक पूजा करते थे। आशापुरी मंदिर में माँ दुर्गा की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है जो माँ दुर्गा के 9 रूप में से एक सिद्धिदात्री स्वरूप में पूजी जाती है। इस मंदिर में आशा देवी की 2 मूर्तियों के अलावे शिव और पार्वती के साथ ही भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां हैं। काले पत्थर की सभी प्रतिमाएं बौद्ध, शुंग और पाल काल की हैं। अपनी अनोखी पहचान के लिए दुखहरणी और मंगल करणी माँ की महिमा जग में अपरंपार है क्योंकि नवरात्र के दौरान इस प्राचीन मंदिर में तांत्रिक विधि से माँ की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार शारदीय नवरात्र के दौरान महिलाओं का मंदिर परिसर के साथ ही मंदिर में बने गर्भगृह में जाने पर पाबंदी लग जाती है। प्रवेश वर्जित का रीजन ये है कि यहाँ पर नवरात्रा से लेकर के नवमी तक यानी रात तक के यहाँ पर तांत्रियार विधि से होता है यानी तांत्रिक विधि से पूजा होता है, इसलिए महिलाओं को प्रवेश वर्जित रहता है। कितना दिन रहता है? ये आपको नवरात्रा से लेकर के आपको दसवीं यानी आरती के पहले तक यानी 8 बजे रात तक, 9 बजे के बाद ही आपको महिलाओं के लिए प्रवेश हो जाता है यानी 8 बजे आरती के पहले तक नहीं, दसवीं को 8:30 बजे आरती के बाद। घोष उन्हीं के नाम से ही घोषरावा पड़ा और ये मासापुरी सबके आशा पुराने वाले हैं, समझे। और इनका इतिहास बहुत लंबा है, समझे। यहाँ तांत्रिक पूजा होता है, यहाँ महिलाओं के 9 दिन वर्जित रहता है। 9 दिन दसवीं को रात में आरती के बाद महिलाओं का प्रवेश हो जाता है। बताया जाता है कि मध्य देश के राजा यशो वर्मन ने 8वीं शताब्दी में घोसरावा गांव को उत्तरार्ध में बसाया था। उस समय इस मंदिर का नाम यशो वर्मनपुर रखा गया था। 9वीं शताब्दी के मगध सम्राट देवपाल यहाँ खुद पधारे थे जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। देख सकते हैं ये माँ आशापुरी मंदिर है और यहाँ की इतिहास काफी पुराना रहा है। बता दें कि यहाँ जो है करीब 300 वर्ष ये जो पूर्व जो है ये मंदिर का निर्माण कराया गया था और ये बताया जाता है कि ये आशापुरी महारानी प्रतिमा निर्माण जो है 300 वर्ष पूर्व कराया गया था और ये मध्य देश के राजा यशो वर्मन के द्वारा घोसरावा ग्राम में 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह बसाया गया था। नवरात्रा के समय 9 दिनों तक जो है महिलाओं की प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है क्योंकि जो यहाँ पर है जो पूजा अर्चना की जाती है खास करके
गुप्त पूजा यहाँ पर जो है की जाती है। इस कारण जो है महिलाओं की प्रवेश जो है 9 दिनों तक वर्जित रखा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं 9 दिन तक पूजा नहीं कर पाते हैं, खास करके नवरात्रा के समय। अन्य दिनों जो है पूरे देश के लोग कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। सालों से चली आ रही इस परंपरा को अभी तक लोग निभा रहे हैं। पूर्वजों के समय से ही शारदीय नवरात्र के दौरान महिलाओं को मंदिर परिसर के साथ ही गर्भगृह में जाने की मनाही है। माना जाता है कि ऐसा करने से तांत्रिक के सिद्धि पूजा भंग हो जाती है, तांत्रिक का ध्यान भंग हो सकता है। इसलिए आदिकाल से चली आ रही परंपरा लोग आज भी मानते हैं। जी हाँ, 9 दिन यहाँ पूजा पाठ वो नहीं है यहाँ, सिर्फ हाँ यहाँ जनता को नहीं किया जाता 9 दिन, और यहाँ जो पंडित जी करते हैं नवरात्रा में। मंदिर की स्थापना के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ एक गढ़ हुआ करता था जिस पर माँ आशापुरी विराजमान थी। गढ़ पर आज भी माँ का मंदिर बना हुआ है। माँ आशापुरी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ हर मंगलवार को काफी भीड़ जुटती है। ये आशापुरी धाम है, यहाँ जो कोई मानते हैं मन्नत वो पूरा होता है, जो मन में आशा है वो आशा सब पूरा करते हैं माता। हाँ बहुत भारी मतलब भारी आदमी का भीड़ होता है जब जब यहाँ मेला या कुछ ऐसा। मंगल का दिन तो बहुत ही पुण्य माना गया है। नवमी के दिन यहाँ पर निशा पूजा के बाद पशु की बलि दी जाती है। आशापुरी में बलि प्रथा आज भी जारी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बकरे का बलि देकर मन्नत पूरा करते हैं। और ये आस्थान का मंदिर है, यहाँ पूजा करने के लिए आया है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे कुछ भी मांगते हैं तो ममता अपना पूरा हो जाता है। यहाँ पे खस्सी वगैरह चढ़ता है प्रसाद में, उसी को भेंट माना जाता है। माँ आशापुरी अपने सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। माता की महिमा की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि माता के नाम मात्र से ही बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है। नालंदा से न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।